नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। यूपी में होने वाले गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को मायावती की हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों को इस बारे में बता दिया है। हालांकि इस संबंध में मायावती कोई घोषणा नहीं करेंगी, बल्कि बीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नेता इसका ऐलान करेंगे। इससे पहले गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के समर्थन का दावा किया। समर्थन देने की बात हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ताओं की चाहत रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अस्थिरता करने के लिए, उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने के लिए हम लोगों को किसी एक पार्टी के एक प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की चाहत रही है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी श्री नगेन पटेल काफी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वो नगेन पटेल को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत के विभाजन पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि कमीशन आया, उसमें फैसला किया गया कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं किया जाएगा, हम मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व रखेंगे, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व देंगे, मुल्क का बंटवारा नहीं करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि जिन्ना ने इसे मान लिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब अन्ना की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उस समय मांगे मान ली गई होती तो ऐसा मुल्क कहीं नहीं होता। बंटवारे का जिम्मेदार नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेताओं को ठहराते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जिन्ना के प्रस्ताव को तभी मान लिया होता तो आज कोई बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि एक हिंदुस्तान होता। तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैंने ये मालूम किया, मैंने कहा यार कमाल है, इनने तवा लगा रखा है दिखाने के लिए, ये तो सीधा कोटा उसको बेच रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसे क्यों ना सीधा वो ले ले, सरकार को फायदा हो जाए। मगर इस रियासत में अल्लाह ही बचाए, खुदा मेरा, मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं आपको कितना ये हमारे लोग लूटते होंगे, खुदा ही जाने। अच्छा जी, ये लगाना ले आओ, पहले तो नीचे से था, अब तो सीधा कहता वो गिनता है, इसमें एक नोट कम है। ये हाल है। चेंबर के प्रेसिडेंट साहब, आपका शुक्रिया। एसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर रविवार को भी छात्रों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। एसएससी बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठे छात्र पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रविवार को समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। आपको बताते चले कि एसएससी छात्रों की समस्या को लेकर अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी। अन्ना के छात्रों के धरने को पूर्ण समर्थन की उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहना है छात्रों का सुनिए। सीएचएसएल, उसके प्रति कोई हमारी बात नहीं हुई है अंदर, लेकिन आगे के लिए सीएससीपी कोई एग्जाम नहीं लेगा, ये बात तय है। सर, मेरी चार मांगों पर प्लीज कृपया पहले मुझे बता लेने दीजिए। तीसरी मांग, यहाँ सब बच्चे ये कह रहे थे कि आगे से दोबारा इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत ना हो, एक नई कमेटी का गठन होगा जो एसएससी कमीशन और हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी, जो भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पेपर लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है, उस कमेटी में बात रखी जाएगी और तुरंत के तुरंत एसएससी से कार्रवाई उस पर की जाएगी। चौथी डिमांड जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है या और ऑनलाइन एग्जाम है, किसी का माउस नहीं चलता, किसी का खुद, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी, एक हॉटलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जैसे ही बच्चे को अपने पेपर में या लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी वो पेपर देते हैं कोई दिक्कत होगी, तुरंत के तुरंत उस नंबर पर कॉल की जाएगी और उसको उसकी मांग को सुन लिया जाएगा। एसएससी बिल्डिंग में बात खत्म। मैम, लगता है आपको कि जो
नहीं नहीं देखिए जेन्यून जेन्यून तो है ही, लेकिन जेन्यून के बीच में इन्फिल्ट्रेशन दूसरों ने कर दी है और वो इन्फिल्ट्रेशन से जो जेन्यून है उनको हटना चाहिए, क्योंकि जब कार्रवाई जब आपकी बातें मान ली गई हैं उसके बाद आप यहाँ पर बैठे हैं तो गलत होगा। और यही सूचना देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि इस पर निर्णय हो चुका है, अब निर्णय के बाद क्यों बैठे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा। और जहाँ तक विषय है आपके, देखिए मैं कंप्लेनर नहीं हूँ किसी केस में, उस केस की फाइल मेरे पास भी नहीं आ सकती ना, ये तो आपको समझना होगा। सरकारी कार्रवाई के तहत हमें निर्णय की खबर है, लेकिन फाइल नोटिंग्स और ये सब चीज़ें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से भी कवर होती हैं, उसकी कॉपी हमें भी नहीं मिल सकती। लेकिन ये सूचना हो सकती है कि भाई 10 बजे 7 तारीख को 6 तारीख को 5 तारीख को CBI ने इसको दर्ज किया, ये खबर हमको मिल सकती है। लेकिन उसकी या DOPT की फाइल इस तारीख को इतने बजे मूव की, हमें उसकी खबर मिल सकती है, लेकिन उसकी कॉपी मेरे को भी नहीं मिल सकती जब तक कि और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ घंटे से कुछ एक दिन कम से कम इतना समय तो लगेगा। आज रविवार वैसे है, रविवार के दिन सरकारी अफसरों को सबको इकट्ठा करके काम करवाया जा रहा है, जो भी कुछ समय लगना है वो लगेगा। आज हमारा यहाँ पे मीटिंग थी लोधी रोड पे, तो सरकारी निवास है सब, लेकिन बाकी जितने लोगों को हमने बुलाया था वो भी सरकारी है। वो तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे अलीगढ़ जाना है, किसी को कहीं जाना है, मेरी माताजी बीमार हैं उनको अस्पताल लेके जाना है। रविवार के दिन सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी भी अपने बाकी काम करने के लिए होता है। अब उसमें हम कहें कि तुम बैठो और अभी 24 घंटे सिर्फ यही काम होगा, ऐसा संभव नहीं है। आश्वासन हो गया, कह दिया गया। तो SSC परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर अब वो अड़े हुए हैं। इसी पर मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। यहाँ से हम कई सदस्यों को लेके गए थे और उनको उन्होंने जाके अपनी बात इसके लिए उन्होंने भरोसा दिया है कि आप अभी SSC चेयरमैन को भी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ तब तक बैठे हैं जब तक इस पे CBI इंक्वायरी की घोषणा नहीं हो जाती। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हापुड़ से आ रही है, जहां पर CCTV कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। दो गुटों में आपसी झड़प हुई है जिसकी तस्वीरें CCTV कैमरा में कैद हुई हैं। तो बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। दो गुटों में आपस में भिड़ंत हुई और झड़प का पूरा जो वीडियो है, जो पूरी तस्वीरें हैं, वो CCTV में कैद हो गई हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये पूरा जो पूरी तस्वीरें हैं, जो पूरी वारदात है, वो CCTV में कैद हुई है। दो गुट हैं जिनमें आपसी झड़प हुई, मारपीट हुई, लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए हैं। तो हापुड़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर दो गुटों में आपसी झड़प हुई है और दोनों गुट के जो लोग हैं एक दूसरे से मारपिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है CCTV में कैद हो गया है और CCTV के फुटेज आपको लगातार हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से दोनों गुटों में आपसी झड़प हुई और झड़प के दौरान दोनों गुट के जो लोग हैं एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दो गुटों में आपसी झड़प हुई है हापुड़ की, ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। दोनों गुट एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, मारपिटाई की जा रही है और ये पूरी जो तस्वीरें हैं, पूरा जो वाकया है वो CCTV में कैद हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से दोनों गुट आते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं। इधर बिहार में जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर रेल सड़क जाम किया गया, जिसका असर सुपौल सदर में भी देखने को मिला है। जाम के दौरान सरकार के
नीति के विरोध में नारे भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर कार्यकर्ता अड़े हुए थे। प्रशासन की तरफ से कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं युवा जाप अध्यक्ष सदाब रजी ने कहा कि ये सुशासन की सरकार नहीं कुशासन की सरकार है। यहाँ कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होता हो। सीबीआई से इसकी जाँच जरूर होनी चाहिए। तो एसएससी प्रश्न पत्र लीक होने का ये मामला है जहां पर कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन लगातार वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर कभी ऐसा नहीं होता कि पेपर लीक होने का मामला सामने ना आता हो। हर बार कोई ना कोई पेपर लीक जरूर होता है और इस बार जो एसएससी के पेपर को लेकर धांधली सामने आई है उसे लेकर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। जन अधिकारी पार्टी के आह्वान पर रेल को जाम किया गया, बस को जाम किया गया, सड़क को जाम किया गया और सरकार की नीति के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और एसएससी पर जो प्रश्न पत्र है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग ये लगातार कर रहे हैं। बात करें पुलिस की तो पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, पुलिस का काम जनता की सहायता करना है, पुलिस का काम लोगों का सहयोग करना है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से एक व्यापारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए पुलिस की वर्दी उन्हें पहनाई जाती है लेकिन पुलिसकर्मी किस तरह से सेवा कर रहे हैं ये आप साफ साफ देख सकते हैं। मामला यूपी के कानपुर का है। पुलिसकर्मियों ने एक व्यापारी की इस बेरहमी से पिटाई की जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और व्यापारी के सिर पर 15 टांके आए हैं। मामला कुछ भी रहा हो लेकिन पुलिस को इस तरह से पिटाई करने का हक आखिर किसने दिया? तो हर कोई यही सवाल पुलिस वालों पर उठा रहा है। व्यापारी को सरेआम पीटा गया है, बुरे तरीके से उसकी पिटाई की गई है और पिटाई इतनी भयंकर थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहां पर उसे उसके सिर में 15 टांके लगवाने पड़े। चलिए यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए खबरें अभी तक।